हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल मिशन नेट फिजिक्स एग्जाम। एंड गाइस, आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक्स का, जिससे कि क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं, साथ ही साथ डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड। ओके, सो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता होगा, आपको पता होगा कि किस टाइप के इनपुट के लिए किस टाइप का आउटपुट मिलता है, सो आप इस टाइप के क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे, ओके, जस्ट इन फ्यू सेकेंड्स। और क्या रिक्वायर्ड है टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, वो सब भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। ऑल्सो इफ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल तो सब्सक्राइब द चैनल, और सब्सक्राइब करने के बाद में आपको एक बेल आइकन दिखेगा, तो आप उसको भी उस पर भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये टॉपिक, जिसमें हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएटर एंड इंटीग्रेटर एंड उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू नीड टू नो अबाउट द डिफरेंशिएटर। सो गाइस, डिफरेंशिएटर के लिए आपको ये सर्किट पता होना चाहिए सबसे पहले, ठीक है, कि किस टाइप के सर्किट को डिफरेंशिएटर का सर्किट कहा जाता है, और आपको इंटीग्रेटर के लिए भी इंटीग्रेटर का सर्किट पता होना चाहिए। सो अगर आप देखें दिसंबर 2018 जो अभी आपका नेट का एग्जाम हुआ है, उसमें भी इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है और डायरेक्ट क्वेश्चन था, ठीक है। सो आप इस वीडियो के बाद में उस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपने वो क्वेश्चन नहीं देखा है, सो यू शुड वॉच दैट आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, सो गाइज, यहाँ पे क्या है कि आपको याद होना चाहिए कि किस टाइप का सर्किट होता है डिफरेंशिएटर का और इंटीग्रेटर का, क्योंकि कई बार आपको क्वेश्चन में सर्किट नहीं दिया नाम नहीं दिया जाता है, जस्ट सर्किट दिया जाता है, तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा सर्किट है, ठीक है। नाम वो लिख के नहीं देंगे क्वेश्चन में कि ये वाला सर्किट है, दे विल जस्ट प्रोवाइड यू द सर्किट, ओके, एंड दे विल नॉट लेट यू नो लाइक फ्रॉम द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन कि कौन सा सर्किट है, ठीक है। तो वहां पे आपको काम आएगा अगर आपको पता होगा कि सर्किट किस तरह का होता है। सो गाइज, यहाँ पे जो है डिफरेंशिएटर का जो सर्किट होता है, उसमें आप देखिए यहाँ पे कैपेसिटर प्रेजेंट है पहले, देन आपका रेजिस्टेंस, और वी कैन से द फीडबैक रेजिस्टेंस इज प्रेजेंट हियर। ओके, तो ये भी ओपन से रिलेटेड टॉपिक है, एंड दिस इज ऑपरेशनल एम्पलीफायर, और किस तरह से कनेक्टेड है ये भी देख लीजिए। ओके, नेगेटिव टर्मिनल पर आपकी फीडबैक प्रोवाइड की गई है, ओके, और वी कैन से इनवर्टिंग टर्मिनल पर उसके सॉरी इनपुट प्रोवाइड किया गया है। आफ्टर दैट अब हमें ये कैसे याद रहेगा कि यहाँ पे जो था सी पहले कैपेसिटर लगा है एंड देन रेजिस्टेंस लगा है, कंफ्यूजन हो सकता है कि यहाँ पे पहले रेजिस्टेंस था या कैपेसिटर था। तो यहाँ पे जो कैपेसिटर और रेजिस्टेंस की पोजीशंस है उनको अगर आप इंटरचेंज कर दें, मतलब रेजिस्टेंस की जगह कैपेसिटर और कैपेसिटर की जगह रेजिस्टेंस लगा दे, तो आपको इंटीग्रेटर का सर्किट मिल जाता है। बस इतना ही डिफरेंस है इंटीग्रेटर और डिफरेंशिएटर के सर्किट्स में, ठीक है। आप देख भी सकते हैं, बस यहाँ पे इनको इंटरचेंज करें तो ये सर्किट मिल जाएगा, इनको इंटरचेंज करें तो ये सर्किट मिल जाएगा। ओके, आफ्टर दैट आउटपुट एक्सप्रेशन क्या होता है। सो आउटपुट एक्सप्रेशन होता है माइनस आर सी डी बाई डी टी वी इन, जस्ट क्योंकि ये डिफरेंशिएटर का सर्किट है, डिफरेंशिएटर का जो सर्किट का आउटपुट होगा वो भी डिफरेंशिएशन के फॉर्म में होगा, सो दैट्स व्हाई यहाँ पे है माइनस आर सी डी बाई डी टी वी इन। अब यहाँ पे R और C जो यहाँ पे रेजिस्टेंस होगा उसकी वैल्यू होगी, वही आपने यहाँ पुट कर देनी है, कैपेसिटर की वैल्यू यहाँ पुट कर देनी है, इनपुट वोल्टेज का एक्सप्रेशन दिया गया होगा वो आप यहाँ पुट कर देंगे, एंड देन डिफरेंशिएट एंड देन गेट द आंसर। उसके बाद में इंटीग्रेटर के केस में जो आपका आउटपुट एक्सप्रेशन होता है वो किस तरह का होता है, सो वो होता है आपका माइनस वन अपॉन आर सी इंटीग्रेशन जीरो टू टी वी इन डी टी, ठीक है। वहां पे भी आप देख सकते हैं आर और सी की पोजिशन, एंड देन आपको वैल्यूज अगर क्वेश्चन में गिवन होंगी तो आप वही वैल्यूज पुट कर देंगे एंड यू विल गेट द आंसर। नाउ नेक्स्ट थिंग इज कि ये याद कैसे रहेगा कि इसमें सी पहले था और फिर आर रेजिस्टेंस प्रेजेंट था, यहाँ पे आर था फिर सी था, क्योंकि ऑलमोस्ट सेम है, बस यही चीज का डिफरेंस है। सो गाइस, आप देखिए यहाँ पे डिफरेंशिएटर किससे स्टार्ट होता है, डी से, और ये किससे स्टार्ट होता है, आई से। सो अगर हम देखें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में डी पहले आता है आई से, ठीक है, तो यहाँ पे भी सी और आर में से जो चीज अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आती है वही चीज यहाँ पे भी पहले होगी। तो सी पहले आता है आर से अल्फाबेट्स में अगर हम देखें, सो इसलिए पहले यहाँ पे सी प्रेजेंट होगा फिर आर, ठीक है। तो आपको अगर ये ट्रिक इजी लगती है तो आप इस तरह से ध्यान रख सकते हैं, अदरवाइज अगर आपके पास कोई और ट्रिक है तो आप उसको यूज कर सकते हैं, एंड देन यू कैन मेक द ट्रिक टू रिमेम्बर कि क्या पहले लिखा जाएगा और किसकी पोजिशन कहाँ पे होगी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज अगर हम बात करें किस टाइप के इनपुट के लिए किस टाइप का आउटपुट मिलेगा। सो अगर आपका इनपुट डिफरेंशिएटर के केस में स्क्वायर हो, ठीक है, स्क्वायर वेव हो, तो उस केस में आउटपुट मिलेगा स्पाइक्स या डिराक डेल्टा फंक्शन।
अब यहाँ पे स्पाइक्स और डिराक डेल्टा फंक्शन से क्या मतलब है, इस टाइप का जो आपको सर्किट मिलता है ना, ठीक है, इस टाइप की जो आपको लाइक डायग्राम मिलता है, सो दिस इज स्पाइक्स और डिराक डेल्टा फंक्शन, ओके, नाउ ग्राफ मिलता है कह सकते हैं. नाउ नेक्स्ट इज, अगर आपका इनपुट जो है साइन वेव की फॉर्म का है तो आपका आउटपुट मिलेगा कोसाइन वेव, अगर आपका इनपुट ट्रायंगुलर वेव है तो आउटपुट मिलेगा स्क्वायर फ्रॉम द डिफरेंशिएटर, ओके. और इसी के साथ में अगर कोई ऐसा आपको लाइक अलग इसके इनके अलावा कोई और इनपुट एक्सप्रेशन दे दिया जाए, ठीक है, तो उस केस में आप ये एक्सप्रेशन यूज करके फाइंड कर सकते हैं कि किस टाइप का आउटपुट आपको मिलेगा, ओके. नाउ नेक्स्ट इज, अगर आपका इनपुट इंटीग्रेटर के केस में स्क्वायर है तो आउटपुट मिलेगा ट्रायंगुलर, और अगर आपका इनपुट साइन वेव है तो आउटपुट मिलेगा कोसाइन वेव, बिकॉज वी नो कि साइन का इंटीग्रेशन कोसाइन होता है, ओके, और साइन का डिफरेंशिएशन भी कॉस ही होता है, सो वही चीज हमें यहाँ पे एज आउटपुट मिल रही है, ओके. सो गाइस, ये थे कुछ पॉइंट्स जो आपको पता होने चाहिए, एंड जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था मोस्ट प्रोबेबली शायद इससे पूछा गया था इस बार, और बाकी पहले के जो एग्जाम्स हैं आपके, ठीक है, सीएसआर नेट फिजिकल साइंस एग्जाम और बाकी जो भी आपके एग्जाम्स होते हैं फॉर द एमएससी और पीएचडी एंट्रेंस, तो उनमें इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं. और याद करने का मैंने आपको ट्रिक बता दिया है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर से आप ध्यान में रख सकते हैं कि क्या कहाँ पे प्रेजेंट होगा इन डिफरेंट सर्किट्स, ओके. सो गाइस, आई होप दैट व्हाटएवर थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड इन दिस लेसन इन दिस वीडियो विल हेल्प यू टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम एंड विल हेल्प यू टू सॉल्व द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डिफरेंशिएटर एंड इंटीग्रेटर. और इसी के साथ में अगर आपको कहीं पे कुछ डाउट हो, कुछ समझ ना आया हो, तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं. एंड अलॉन्ग विद दिस, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में आप शेयर भी कर सकते हैं, एंड ऑल्सो यू कैन लाइक सब्सक्राइब द चैनल. अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन व्हेनेवर न्यू वीडियो विल बी अपलोडेड. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप ऑन वॉचिंग ऑल अदर वीडियोज ऑन दिस चैनल. ऑल्सो यू कैन वॉच द लेसन ऑन अनअकैडमी, जो भी लेसन मैंने अनअकैडमी पर प्रोवाइड किए हैं आप उन्हें भी देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस लिंक पर क्लिक करके आप अनअकैडमी के लेसन्स देख पाएंगे, एंड लेसन्स बिल्कुल फ्री हैं. ऑल्सो इम्पॉर्टेंट है फॉर द अपकमिंग गेट फिजिक्स एग्जाम, नेट फिजिक्स एग्जाम, ओके, और जितने भी आपके एग्जाम्स हैं एमएससी और पीएचडी एंट्रेंस के लिए, उनके लिए वो सारे लेसन्स इंपॉर्टेंट है. सो गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप ऑन वॉचिंग ऑल अदर वीडियोज ऑन दिस चैनल. थैंक यू.